मॉर्निंग बच्चों, हमने इससे अगली वाली क्लास में चैप्टर 1 मानव शरीर के मिलान और सही गलत किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हाँ या नहीं में दीजिए, यानी कि हाँ और नहीं में उत्तर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हमारा शरीर ठंडे और गर्म का अनुभव करता है, यानी कि हमारा जो शरीर है ठंडे और गर्म का अनुभव करता है। हाँ, क्योंकि हमारे शरीर को ठंड भी लगती है और गर्मी भी लगती है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हाँ, क्योंकि हमें आंसर किसमें देना है? हाँ या नहीं में। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर के का क्या होगा? हाँ, क्योंकि हमारे शरीर को ठंड सर्दी भी लगती है और गर्म यानी कि गर्मी का अनुभव भी होता है, हमारा शरीर गर्मी का भी अनुभव करता है, तो इसलिए इसमें आएगा हाँ। अगला है सिर के अंदर मस्तिष्क होता है, तो क्या हमारे सिर के अंदर मस्तिष्क होता है? हाँ, मैंने आपको बताया था, जब सिर के बारे में बताया था, हमारे सिर के अंदर एक मतलब मस्तिष्क होता है जो कि हमारी विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो इसलिए इसमें भी क्या आएगा? इसमें भी आएगा हाँ, हाँ हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क होता है। अगला है गर्दन सिर को दाएं बाएं तथा ऊपर नीचे घुमाने का कार्य करती है, क्या ये सही है? गर्दन है जो सिर को, यानी कि गर्दन के द्वारा हम अपने सिर को दाएं बाएं या ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम गर्दन के ही यानी गर्दन से ही हमारा जो सिर है वो दाएं बाएं और ऊपर नीचे हो पाता है। अगर हमारे शरीर में गर्दन ना हो तो क्या होगा? हमारा शरीर ना दाएं घूमेगा ना बाएं घूमेगा, तो गर्दन से ही हमारा जो सिर है वो दाएं बाएं तथा ऊपर नीचे घुमाने का कार्य करता है, तो इसलिए इसमें भी क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा इसमें भी? हाँ, अगला देखो, वक्ष अनेक छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बना है, यानी कि जो हमारी चेस्ट है वो अनेक छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बनी है, तो इसमें भी क्या आएगा? हाँ, क्योंकि हमारे जो वक्ष हैं वो अनेक छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बने हैं, तो आपकी चारों में क्या है, क्या आंसर है? चारों में ही क्या आ रहा है? हाँ, एक बार फिर से देखो, हमारा शरीर ठंडे और गर्म का अनुभव करता है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो ठंडे और गर्म यानी कि सर्दी और गर्म का अनुभव करता है, तो इसमें क्या आएगा? हाँ। अगला है सिर के अंदर मस्तिष्क होता है, तो ये भी सही है, हमारे सिर के अंदर मस्तिष्क होता है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें भी आएगा हाँ। अगला है गर्दन सिर को दाएं बाएं तथा ऊपर नीचे, यानी कि जो हमारी गर्दन है वो सिर को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाने का कार्य करती है, तो ये भी सत्य है और इसमें भी क्या आएगा? हाँ, हमारी जो गर्दन है वो सिर को दाएं बाएं तथा ऊपर नीचे घुमाने का कार्य करती है। अगला है वक्ष अनेक छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बना है, तो ये भी बिल्कुल सही है, हाँ हमारे जो वक्ष है मतलब चेस्ट है वो छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बने हैं। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो आपको क्या करना है बेटा, जो क्वेश्चन है ना इनके आंसर देने, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, शरीर के मुख्य भाग लिखो, यानी कि हमारे शरीर के जो मुख्य भाग है उनके नाम आपको लिखने हैं, तो हमारे शरीर के मुख्य भाग निम्न है, हमारे शरीर के मुख्य भाग निम्न है। वैसे तो शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर विभिन्न अंग
अंगों से मिलकर बना है। ये अंग आंतरिक भी होते हैं और बाह्य भी होते हैं, यानी कि कुछ अंदर होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, कुछ बाह्य अंग होते हैं जो कि हम देख पाते हैं। तो आपकी बुक में सिर्फ बाह्य अंगों के बारे में ही बताया है। तो इसलिए हमारे शरीर के मुख्य अंग निम्न है, वो है पहला है सिर। सिर के अंदर क्या अवस्था होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या करता है? हमारे द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नंबर दो, ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? पांच, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अगली है, अगला जो अंग है वो है गर्दन। गर्दन के द्वारा हम क्या करते हैं? गर्दन हमारे सिर को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाने का कार्य करती है। अगला है धड़। धड़ क्या है? गर्दन के ठीक नीचे वाला हिस्सा धड़ कहलाता है। पांचवा है बक्ष। बक्ष क्या है? ये विभिन्न छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। अंग नंबर छह, उदर। उदर मीन्स पेट। और अगला है वो है टांगे, जिनके द्वारा हम चल फिर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो अगला अंग क्या है? टांगे। फिर से देखो इस क्वेश्चन को एक बार। शरीर के मुख्य भाग लिखो, यानी कि हमारे जो शरीर है उसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो हमारे शरीर के कई मुख्य भाग हैं, कुछ आंतरिक भी होते हैं और कुछ बाहरी भी होते हैं। लेकिन आपके चैप्टर वन मानव शरीर में केवल बाहरी अंगों के बारे में ही बताया है। तो इसलिए हमारे शरीर के जो मुख्य अंग है, पहला है सिर, जिसके अंदर क्या होता है? मस्तिष्क होता है, जो कि हमारी विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगला है ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है? मैंने आपको बताया था ज्ञानेंद्रियाएं पांच होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अगली है, अगला अंग है वो है गर्दन। गर्दन के द्वारा हम अपने सिर को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। नंबर फोर है धड़। धड़ क्या होता है? हमारे गर्दन के नीचे वाला हिस्सा धड़ कहलाता है। और धड़ के अंदर क्या होते हैं? धड़ के अंदर कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं। धड़ के ऊपर का भाग बक्ष और नीचे का भाग उदर पेट कहलाता है। अगला देखो, अगला है उदर, नहीं सॉरी ये रह गया बक्ष। ये विभिन्न छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर सिक्स यानी कि अंग नंबर छह उदर और अंग नंबर सात टांगे। तो ये आपके शरीर के मुख्य भागों के नाम है। अब बेटा आज आपको क्या गृह कार्य करना है? आज आपको गृह कार्य में सही गलत क्या करना है? सॉरी सही गलत नहीं, हाँ या नहीं। क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्वेश्चन नंबर वन करना है। क्या गृह कार्य करना है आपको? क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स में ओनली क्वेश्चन नंबर वन आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और इनको साथ ही साथ याद भी करते चलना है।